हेलो गाइस। सो यार फाइनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आ चुकी है। काफ़ी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि भैया सिलेक्शन लिस्ट तो आ गई, अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट कब सबमिट करना पड़ेगा, क्या सारा प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले तो हम आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे सभी कोर्सेज के लिए। बच्चों को कुछ बच्चों को बोल देते हैं, चलो तो उनको भी अच्छा लगेगा बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। तो प्यारे बच्चों आपसे वो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका अभी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में हो गया। जिनका अगर नहीं हुआ है उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं ना, ठीक है, हो जाएगा बच्चा तुम्हारा, अभी बहुत टाइम पड़ा है, ठीक है, अभी बहुत कुछ देखना है तुम्हें, तो थोड़ा वेट कर लो बच्चा पार्टी, तुम्हारा भी जल्द ही एडमिशन हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने हमारा CUT एडमिशन प्लान ज्वाइन नहीं किया है जरूर से जाके ज्वाइन कीजिए, राइट। उसके अंदर हम आपको शॉर्ट ही देते हैं एडमिशन की प्लस 24 लाइव सपोर्ट के साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं यार कोर्सेज का क्या सारा सीन है बच्चों के एडमिशन प्रोसेस का। तो लगते तो PDF आर्ट ओपन सक्सेसफुली। तो जो भी स्टूडेंट है इंटीग्रेटेड MSc के अंदर एडमिशन हुआ है, मनीषा कुमारी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एडमिशन हो गया यहाँ पे 189 मार्क्स के बेसिस पे। देख सकते हो बच्चों मनीषा के जो कैटेगरी है वो एक्चुअल में OBC कैटेगरी थी, लेकिन इन्होंने जो है OBC का इनको बेनिफिट नहीं मिला, इनको जो एडमिशन जो मिला है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के थ्रू मिला है। उसके बाद कनेक्ट मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे, आपको भी अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी के जरिए एडमिशन मिला है। इसके बाद जितने भी ये बच्चे हैं देख सकते हो, ये निकिता है, जस्ट लाइक सुलोगना है, ये जितने भी बच्चे हैं सारे, इनको टिल 12 बच्चों को जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि इनकी कोई भी कैटेगरी डिसाइड नहीं की है यूनिवर्सिटियों ने, इनके मार्क्स के बेसिस पे ये जो भी है इनका कैटेगरी, इनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है बिकॉज दिस इज द टॉपर स्टूडेंट्स, ओके। तो ये 12 बच्चे हैं। उसके बाद जो लिस्ट जारी की गई है वो OBC कैटेगरी वाले बच्चों की है। तो मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे हैं, देखो 158 मार्क्स के बेसिस पे इसको एडमिशन मिल गया, टोटल 8 बच्चे ये हैं। उसके बाद SC कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो आपको क्या करना है, आगे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो यार आप लोगों को अब क्या करना है, जैसा कि मैं ये जो वेबसाइट है CUH की, ठीक है, पहले आपको यहाँ पे जाना है एडमिशन पे। सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे आप लोग, ठीक है। प्यारे बच्चों अभी देख सकते हो पोर्टल पे कुछ इश्यू आ रहा है, इस कारण मैं चेकआउट नहीं कर पा रहा रिगार्डिंग द पोर्टल डिटेल्स। लेकिन आपको क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है टिल 7 तारीख तक, जैसे ही आप ओपन करेंगे अपना पोर्टल, वहाँ पे आपको जैसे एक तो आगे लास्ट सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया गया है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, उसके पहले सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बीच में एक ऑप्शन दिया गया एक्शन का, ठीक है, एक्शन के अंदर आपको जो भी सीट अलॉट हुई है आपको उस पर क्लिक करना है, पे फीस पे क्लिक करना है, एंड पहले इसको आपको डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपको अपनी फीस पे करनी है 7 तारीख तक। अगर आप फीस पे नहीं करते हैं 7 अक्टूबर तक तो आपके सीट जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सारे के सारे बच्चे जरूर से जाके रजिस्टर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक मेरा बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यार, यहाँ पे जिन भी बच्चों को सीट अलॉट हुई है इनको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ, ठीक है, पे फीस या फिर कुछ भी एक्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इसको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ मेरे बच्चे को, तो जस्ट यहाँ पे अपडेट नहीं है कुछ भी, लेकिन जिन भी बच्चों को सीट अलॉट हुआ है, कोई भी सीट अलॉट हुई है, एक्शन का बटन दिया गया वहाँ पे, पे फीस एंड अदर अदर अदर, आपको सीट विड्रॉ नहीं करना है गाइस, ठीक है, जस्ट इसका ध्यान रखना है कि आप विड्रॉ ना कर दें, विड्रॉ अगर आपने कर दिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो 10 तारीख तक फीस जरूर, सॉरी 7 तारीख तक फीस जरूर जमा कर दें। आज 4 अक्टूबर हो चुका है, आपको 4, 5, 6, 7 यानी कि 4 दिन का ऑलमोस्ट टाइम मिला है, 3 दिन आप मान सकते हो, 3 दिन का टाइम दिया गया, जरूर से सारे बच्चे, कोई भी कोई इंक्वायरी हो नीचे हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया गया, जरूर से इंक्वायरी कर सकते हो, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठे हैं 24/7 लाइव, ठीक है।